नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान विकास में। डेली टॉप 30 के आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस सितंबर माह के टॉप 25 बेस्ट एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स को डिस्कस। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जाम्स, इसलिए लेक्चर को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकेंगे हमारी वेबसाइट studywithgyanprakash.com पर जाकर, या फिर सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से, या फिर फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से। तो पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा और इसका दोहराव जरूर कर लीजिएगा। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का निधन हो गया, उनकी देखिए कौन सी किताब चर्चा में रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 82 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1938 को, और 2009 में उनकी जो किताब आई थी जो काफी अधिक चर्चा में रही थी, किताब का नाम था जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और अटल सरकार में जसवंत सिंह ने 3 विभाग संभाले थे, विदेश, रक्षा और वित्त जैसे विभाग। किताब जो आई थी जिन्ना इंडिया पार्टीशन और इंडिपेंडेंस, ये किताब बहुत अधिक चर्चा में रही, विवादों में रही, और इसी किताब को लिखने की वजह से एक बार जसवंत सिंह जी को बीजेपी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये हैं शिवांगी सिंह, जो कि रहने वाली कहाँ की हैं, ये वाराणसी की रहने वाली हैं। ये याद रखना आप कि इनका जो निवास स्थान है वाराणसी है, और वर्तमान में इनकी जो तैनाती है वो राजस्थान के एयरबेस में है, और वो अभी MiG-21 को उड़ाती हैं। इनका जो चयन हुआ था वो 2015 में हुआ था फ्लाइंग अफसर के तौर पर, और अब वो पहली ऐसी फाइटर पायलट बन गई हैं जो कि राफेल को उड़ाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है और इसको आप बिल्कुल याद रखना। नाम है शिवांगी सिंह, रहने वाली हैं वाराणसी की, राफेल की पहली महिला पायलट बन गई हैं। किस राज्य ने एनसीडी का फुल फॉर्म बनता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हिंदी में कहेंगे इसे आप गैर संचारी रोग, के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है केरल ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भारत में मुख्य रूप से जो एनसीडीज हैं उसमें दिल के दौरे, कैंसर, पुरानी सांस की बीमारियां और मधुमेह को शामिल किया जाता है। तो एनसीडी पर कंट्रोल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है भारत के राज्य केरल ने, ये जरूर याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि वर्तमान में अभी भी बहुत सारी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। ऐसी कंडीशन में जब कोई पेपर सेट करेगा तो डेफिनेटली वो इस पॉइंट को तो जरूर दिमाग में रखिएगा। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, याद रखना कि यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका जो 55वां संस्करण है उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है अखितम अच्युतन नंबोदरी। अखितम अच्युतन नंबोदरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। हालांकि ये घोषणा बहुत पहले हो गई थी 29 नवंबर 2019 को ही, लेकिन यह पुरस्कार अब जाके प्रदान किया गया है। एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि यह जो पुरस्कार होता है यह केवल उन भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो भारतीय संविधान में जो भाग 8 में वर्णित भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, तो उसमें जो लेखन करते हैं उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये बातें बिल्कुल आप याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, तो ये कब मनाया गया? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी 26 सितंबर। 26 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस की घोषणा यूनाइटेड नेशन महासभा ने दिसंबर 2013 में की थी। और एक बात और भी याद रखना यहां पर कि 29 अगस्त को यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, तो दोनों दिवस आप याद रखना कि 26 सितंबर क्या है और 29 अगस्त क्या है। 29 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और 26 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। ठीक है, तो परीक्षण निषेध और उन्मूलन दिवस दोनों आप याद रखना। उन्मूलन दिवस होता है 26 सितंबर को, परमाणु परीक्षण निषेध दिवस होता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को एक और भी महत्वपूर्ण दिवस होता है, और ये भारत में जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। किसके निपटान के लिए वैज्ञानिकों ने पूसा डी कंपोजर्स नामक जैव डी कंपोजर को विकसित किया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फसलें जब काटी जाती हैं तो जो पराली, जिसको फसलों की ठोड़ भी आप कह सकते हैं, उसको जलाने से जो प्रदूषण फैलता है, तो अब पराली को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूसा डी कंपोजर्स
का छिड़काव किया जाएगा और जो पराली होगी वो बहुत तीव्र गति से सड़ जाएगी, खाद बन जाएगी और आने वाली जो फसल होगी उसको फायदा भी पहुंचाएगी। तो पूसा डी कंपोजर्स क्या है, ये पराली जलाने को कंट्रोल करेगा, यानी कि फिर पराली को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पूसा डी कंपोजर से फसलों की पराली को सामान्य से तीव्र दर से सड़ाया जा सकता है, जिससे पराली को जलाने की क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। डी कंपोजर कवक स्ट्रेन को हटाकर बनाए गए कैप्सूल के रूप में तैयार किया गया है। खगोलीय छवियों को संगीत में ढालने की प्रक्रिया, जिसको कहेंगे आप सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने खोजा है? सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट ये खोजा गया है नासा के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ब्रह्मांड में मौजूद जो आकाशगंगाएं हैं उससे निकलने वाली जो रोशनियां होती हैं अब वो आवाज के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। आकाशगंगा में जितनी तीव्र रोशनी होगी आवाज में उतार चढ़ाव उसी रोशनी के हिसाब से घटेगा और बढ़ेगा, यानी कि रोशनी कम होगी आवाज कम हो जाएगी, रोशनी अधिक होगी तो आवाज बढ़ जाएगी। इससे संबंधित एक वीडियो नासा के द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया है, जिसको मैंने रीट्वीट किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्विटर हैंडल और हमारी जो ट्विटर आईडी है मैं आपको बता देता हूं, आप सीधे सीधे सर्च करना स्टडी विज्ञान, सिर्फ स्टडी विज्ञान आप लिख के हमें फॉलो कर सकते हैं, उस वीडियो को वॉच वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह की तकनीक को क्या कहते हैं, सोनिफिकेशन, यह डेटा को साउंड में बदलने की प्रक्रिया है और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और इस प्रोजेक्ट की मदद से पहली बार आकाशगंगा को आम लोग सुन सकेंगे। सुर्खियों में रही विश्व की सबसे लंबी हाई अल्टीट्यूड सिंकुनला सुरंग का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, तो जरूर याद रखना ये, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी और हाई अल्टीट्यूड सुरंग है, नाम इसका है सिंकुनला सुरंग और ये बनाई जा रही है कहां पर, ऑप्शन सी लद्दाख में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL ने विश्व की सबसे लंबी हाई अल्टीट्यूड सिंकुनला सुरंग, लंबाई इसकी होगी 13.5 किलोमीटर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR कार्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में इससे जुड़े उपमार्गों पर शीघ्रता से निर्माण करना शुरू कर दिया है। और जब सुरंग बन जाएगी तो इससे क्या होगा, मनाली और कारगिल का जो मार्ग है राजमार्ग वो पूरे वर्ष खुला रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सुरंग है, नाम है इसका सिंकुनला सुरंग, बनाई जा रही है कहां पर, लद्दाख में। 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया कब, 23 सितंबर को। आपको क्या बताना है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए जल अधिनियम, पूरा नाम होगा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, शिवदास मीना। और एक बात और भी, CPCB यानी कि ये जो संस्था है वो एक सांविधिक संगठन है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। प्लास्टिक पार्क योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, प्लास्टिक पार्क योजना, तो ये जो योजना है वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसके अंतर्गत कुल 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की जाएगी, ये भी याद रखना कि कितने प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे, तो सही जवाब बनेगा 10 पार्क। और ये जो 10 पार्क होंगे वो एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होंगे, जहां पर जो प्लास्टिक उद्योग हैं और उससे जुड़े जो उद्योग हैं उनको जो है उनका विनिर्माण क्षेत्र के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। और ये जो 10 पार्क हैं वो असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में होंगे, यानी कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ये भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो प्लास्टिक पार्क है वो नहीं बनेगा, ये असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 7 राज्य हैं जहां पर ये 10 पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये कौन बनाएगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कुल पार्क कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। प्लास्टिक पार्क योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, सही जवाब बन गया ऑप्शन ए। अब बताइए कि विश्व जोखिम सूचकांक यानी कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो ये जो विश्व जोखिम सूचकांक है, अभी हाल ही में विश्व जोखिम रिपोर्ट भी जारी हुई है, विश्व जोखिम रिपोर्ट जारी की गई है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है, और इसको नाम दिया गया है विश्व जोखिम सूचकांक यानी कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स।
तो इसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 89 है, जरूर याद रखना 89 है। और भारत जो है वो 181 देशों में 89th यानी कि 89वें स्थान पर है। यह इंडेक्स यह बताता है कि भारत जो है उस जलवायु परिवर्तन के लिए ठीक तरीके से तैयार नहीं है, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही खराब तरीके से भारत तैयार है। और भारत जो है दक्षिण एशिया का चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश बन गया है। विश्व जोखिम रिपोर्ट जर्मनी में स्टटगार्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यानी कि UNU, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी EHS और बुंडनिस एंटी क्लंग हिफलट द्वारा जारी होता है और ये 2011 से जारी किया जाता है। तो भारत की जो रैंक है दक्षिण एशिया में वो चौथी है, ऑल ओवर कितनी है 89 है, कुल 181 देशों पर यह इंडेक्स जारी किया गया है जिसको कहेंगे आप वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, और ये जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज पर आधारित है। अब एक युद्धाभ्यास का है उसके बारे में बात कर लेते हैं, पासेक्स। पासेक्स नामक नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ अभी हाल ही में शुरू किया है? ये क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए कि पासेक्स नामक नौसेना अभ्यास भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ पूरा किया है? तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया ने 23 सितंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास शुरू किया है। और एक बात और भी याद रखना कि भारत रूस के साथ भी, जापान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी ये जो पॉसेक्स नामक युद्धाभ्यास है वो करता है, ठीक है। तो ये बातें आप बिल्कुल याद रखोगे। हाल ही में किस देश ने लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ऑप्शन ए भारत ने। तो भारत के DRDO ने स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसको आप कहेंगे AGTM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर के मुख्य युद्ध टैंक MBT अर्जुन पर रखकर टेस्ट फायर किया गया। एंटी गाइडेड मिसाइल क्या होती है? यह मुख्य रूप से बख्तरबंद सैन्य वाहनों और युद्ध टैंकों को नष्ट करने में प्रयोग में लाई जाती है। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा प्रस्तावित नहीं है? प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 में कौन सा एक पॉइंट शामिल नहीं है? तो प्रमुख बंदरगाह अधिनियम 1963 को प्रतिस्थापित करना, भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता प्रदान करना, ये भी है। प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह हेतु प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड का निर्माण करना, ये भी है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्टों की जगह नहीं लेगा, तो ये गलत है। ये बोर्ड जो होगा वो मौजूदा पोर्ट और ट्रस्टों की जगह लेगा, तो ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी को आप जो है अपना आंसर मानेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये बालिका या ये लड़की अभी महज 17 वर्ष की है, और ये हैं कौन? ये हैं खुशी चिंदलिया, ऑप्शन ए खुशी चिंदलिया। और ये रहने वाली कहाँ की है? ये गुजरात की रहने वाली है। और संयुक्त राष्ट्र ने खुशी चिंदलिया को भारत के लिए UNEP की क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो भारत की जो क्षेत्रीय राजदूत हैं UNEP की वो कौन है? खुशी चिंदलिया। और भारत के लिए ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त होने के बाद अब खुशी चिंदलिया को पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण संरक्षण में भारत के योगदान पर चर्चा करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में बड़ी संख्या में व्हेल रेत में फंसी पाई गई? आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लगभग 350 से ज्यादा व्हेल्स यहाँ पर फंसी हुई थी, जिसमें 25 से ज्यादा की मौत भी हो गई थी, और ये आप देख रहे हैं कि रेत में फंसी हुई हैं। तो ये साउथ व्हेल्स नहीं, तस्मानिया, ऑप्शन सी से जवाब है। तस्मानिया में ये जो व्हेल्स हैं वो देखी गई हैं, इनको बचाने की भी कोशिश की जा रही है। और ये जो व्हेल्स हैं उन्हें आप पायलट व्हेल्स कह सकते हैं। पायलट व्हेल जो होती है वो समुद्री डॉल्फिन की एक प्रजाति होती है जो 7 मीटर तक लंबी हो सकती है, लगभग 3 टन इनका वजन हो सकता है। हाल ही में खबरों में रहा न्यू स्टार्ट संधि, अमेरिका और किस देश के बीच एक समझौता है? न्यू स्टार्ट संधि, तो ये जो समझौता है हालांकि ये 2011 से है, लेकिन अब इसको जो है रूस के द्वारा मतलब अहमियत नहीं दी जा रही है। तो ऑप्शन ए न्यू स्टार्ट संधि जो कि चर्चा में है वो अमेरिका और रूस के बीच में हथियारों को लेकर एक संधि है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश
क्रमशः जो अपने हथियारों की डेंसिटी है उसको कम करेंगे, लेकिन रूस इसको लेकर बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से वो इसको जस्ट इग्नोर ही कर रहा है। और ये जो समझौता हुआ था वो प्राग में हुआ था 8 अप्रैल 2010 को, और इस तंत्र पर हस्ताक्षर हुए थे 5 फरवरी 2011 को, और 2011 से ही ये लागू भी हो गया था। ठीक है, पूरा नाम इसका बनेगा नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, दैट इज स्टार्ट। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मेडिकेंस जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है, मेडिकेंस क्या है? तो सभी विकल्पों में सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, यह एक चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान जिसे मेडिकेंस कहते हैं, और हाल ही में लानोस नामक एक जो मेडिकेन था वो ग्रीस के तट से भी टकराया था, तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। खबरों में रहा न्यूट्रिनो क्या है, तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह एक उप परमाणु कण है, ऑप्शन सी। न्यूट्रिनो पर कोई भी आवेश नहीं होता, यानी कि यह न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है न्यूट्रिनो। और ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी वेस्ट हिल्स में भारत आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जा रही है, इसकी वजह से ये जो पॉइंट है वो चर्चा में है और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनो डे ये कब मनाया जाता है, 23 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 22 सितंबर? सही जवाब क्या बनेगा, 21 सितंबर नहीं बल्कि 22 सितंबर। ठीक है, ये याद रखना आप। और विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। इसके बाद से 2011 से इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो विश्व राइनो दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को। नासा का वह मिशन जिसके तहत 2024 में चांद पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना है, तो बहुत लंबे समय के बाद अब अमेरिका फिर से जो है चांद पर इंसान को भेजने की योजना बना रहा है। 2024 में वो एक पुरुष और एक महिला को चांद पर उतारने की योजना बना रहा है, और इस जो योजना है इसको नाम दिया गया है आर्टेमिस मिशन, ऑप्शन ए आर्टेमिस मिशन। तो 1972 के बाद नासा चांद पर इंसान को भेजेगा जिसमें एक महिला होगी और एक पुरुष एस्ट्रोनॉट होगा। अंतरिक्ष यात्री ओरियन नामक एक अपोलो जैसे कैप्सूल में यात्रा करेंगे, तो जो मतलब यान होगा जिसमें ये यात्री यात्रा करेंगे उसको नाम दिया गया है ओरियन। भारत ने तूतीकोरन और कोचीन को डैश से जोड़ने वाली कार्गो फेरी सेवा शुरू की है, तो तूतीकोरन और कोचीन को जोड़ दिया गया है म्यांमार से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, म्यांमार। और आपको बता दें कि नौवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनसुख मांडविया और मालदीव की परिवहन और नागर विमानन मंत्री सुश्री ऐसत नाहुला ने संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच 22 सितंबर को सीधी कार्गो फेरी यानी कि पोत सेवा की शुरुआत की है। तो 22 सितंबर से ये जो सेवा है वो स्टार्ट की गई है, तस्वीर आपके सामने है। घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है, घर तक फाइबर? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे भारत में इंटरनेट के प्रसार पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, तो घर तक जो फाइबर नामक योजना है, घर तक फाइबर योजना, ये बिहार में शुरू की जा रही है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन यानी कि शुभारंभ और घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, तो सही जवाब इसका बनता है ऑप्शन बी। और ये जो परियोजना है वो दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और CSC यानी कि कार्बन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयास से शुरू की जाएगी। तो सही जवाब है घर तक फाइबर यह योजना शुरू की जाएगी, ऑप्शन बी बिहार में। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी बनता है इसमें कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2020 कब मनाया जाता है, तो दोनों के जवाब आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर, और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 सितंबर को। ठीक है, राइनो डे 22 सितंबर और शांति दिवस 21 सितंबर। पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1981 में मनाया गया था, और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह विषय यानी कि ये जो थीम है वो मुख्य रूप से कोरोना वायरस पर है, जिसने पूरी दुनिया में स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन को खतरा पहुंचाया है,
Shaping Peace Together is the theme of Antarrashtriya Shanti Divas International Peace Day 2020 celebrated on 21st of September. हाल ही में चर्चा में रहा नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ये कहां पर स्थित है? नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क ये कहां पर स्थित है? स्थापना इसकी आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है 29 दिसंबर 1960 को यह स्थापित किया गया, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल या फिर तमिलनाडु। सही जवाब क्या बनेगा यहां पर? तो फ्रेंड्स ये सही जवाब है ओडिशा। यह पार्क 1960 में स्थापित किया गया था और ये ओडिशा के भुवनेश्वर का एक चिड़ियाघर और वनस्पतिक उद्यान है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वहां पर किसी जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन से 2 स्लॉथ बियर जो है वो मारे गए हैं, जिसकी वजह से यह चर्चा में है। एक बात और भी याद रखना कि यह भारत का पहला चिड़ियाघर है जो 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का सदस्य बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 25 एमसीक्यूज। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। रेगुलर 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको डेली टॉप 30 की जो वीडियोज होते हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं किसी एक खास टॉपिक पर, जिससे आपका जो स्टडी जीके है वो पोर्शन काफी स्ट्रांग हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।